चलिए अब यहाँ से सीधे वक्त हो गया है देखने का हमारे खास सेगमेंट का यानी आज का सुपर शो। अंचल मौजूद है हमारे साथ। अंचल कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दिवाली, आज के लिए स्टॉक रहेगा मिंडा कॉर्प का। देखिए ऑटो एंसिलरी शेयर ऑलरेडी बजिंग है और उस स्पेस में से अगर आप देखिए मिंडा कॉर्प वैल्यूएशन वाइज एक बेहतरीन पिक है। कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, Q1 नंबर्स कंपनी के 10 अगस्त को आने और शानदार नंबर्स इस बारी कंपनी पोस्ट करती हुई दिखेगी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं, देखिए मिंडा कॉर्प पिछली 4 तिमाहियों से लगातार अपने कर्ज को धीरे धीरे करके पे ऑफ कर रहा था। 4 तिमाहियों से कंपनी की ब्याज लागत जो है लगातार घट रही थी। अब सो मच सो 4 तिमाहियों में करीब आधी होगी कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट, वो एक फैक्टर होगा जो Q1 में इसके लिए प्ले करेगा, इसके बॉटम लाइन को सपोर्ट करेगा। यही कारण है मुनाफे में 30-40% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कंपनी के मार्जिन जो है क्योंकि कच्चे माल पर लागत घटी है तो उसका फायदा मार्जिन के तौर पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। Q1 में इसके मार्जिन 2-3% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो रही बात वैल्यूएशन की, देखिए मौजूदा कैश EPS कंपनी की करीब 3 रुपये की है और FY18 के लिए अनुमानित EPS 9.5 रुपये और PE multiple 13.5 का। सेक्टर का इस समय मौजूदा पी करीब 25 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है और शेयर के लिए 13.5 का मल्टीपल सुझाया जा रहा है। तो यानी बेहद सस्ते दरों पे मिंडा कॉर्पोरेट इस समय कामकाज कर रहा है और यहाँ से छोटी से मध्यम अवधि के लिए अच्छी पिक बन सकती है, ऐसी कार्वी मानता है। कार्वी ने इस पे खरीदारी की सलाह दी है, फर्स्ट टारगेट दे रहे हैं 130 रुपये का। चलिए मिंडा कॉर्प आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 117.50 पे ट्रेड कर रहा है, इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। ऑलमोस्ट आप देखिए डी हाई पे सस्टेन करता हुआ करीब 7.25 रुपये ऊपर यहाँ पे। ब्रजेश ये बताइए अभी आप निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी की बास्केट में क्या खरीद रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरेन जी, अगर हम निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं, टाटा स्टील लुक्स गुड ऑन द चार्ट विद द करंट लेवल। एनी डिप समवेयर अराउंड से 365-370 की जोन में अगर आता है तो डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं। 350 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बोलूं तो लगभग 395 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं। थोड़ी अगर अवधि बड़ी है तो 420 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में एक देवान हाउसिंग फाइनेंस चार्ट पे थोड़ा बेटर लग रहा है। मोदी स्तर के आसपास में 235 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 228 के अच्छा एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म 245-250 जोन। चलिए इसके अलावा आप 3 सेक्टर देखिए जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में देखी जा रही है। एक तो शुगर, दूसरा रिटेल और इन स्टॉक्स में किस तरह का मोमेंटम अभी देखा जा रहा है वो देख लेते हैं। मार्केट साला की डेहाई पर आए हैं लेकिन शुगर स्टॉक्स एक अच्छी मजबूती लेकर कामकाज कर रहे हैं आज के सेशन में। सभी शेयर्स आपकी स्क्रीन में। राणा शुगर्स हालांकि 6.25% की बढ़त दिखा रहा है लेकिन बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान यहां पर 0.5% की बढ़त है। अपर गंगे शुगर करीब 1% ऊपर ट्रेड करें। धराने शुगर हालांकि लाल निशान में थोड़ी सी कमजोरी यहां पर दिखाते हुए। रिटेल स्टॉक्स को देखें, एक अच्छे वॉल्यूम्स का जोरदार बाइंग स्टॉक्स में देखी गई है। हालांकि जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें Store1 Retail है। Store1 Retail में एक अच्छा मूव आज के सेशन में देखा गया है। V2 Retail करीब 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप फ्यूचर एंटरप्राइजेस को देखिए, वहां भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आज के सेशन में आता हुआ देखा है। एक अच्छा मूव इन स्पेशली इन 3 स्टॉक्स में एक आज के सेशन में आता हुआ देखा है। ब्रोकर हाउसेस के स्टॉक्स की भी हमने बातचीत की भी थी, वहां भी अच्छा खासा मूव आज के सेशन में आया। एक बार ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी देख लेते हैं। ये एक ऐसी पॉकेट रही है जो कि लगातार परफॉर्म कर रही है और आज के सेशन में ऑटो एंसिलरी शेयर्स जो कि स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। मदसन सुमी हालांकि कंसिस्टेंट चलने के बाद अभी 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। एवरेडी इंडस्ट्रीज आप देखिए, वहां पर जोरदार मूव अभी आया है, करीब करीब 4.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में बढ़त देखी जा रही है। मिक्स बैग है हालांकि, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर्स है जो कि स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ब्रजेश, शुगर, ऑटो एंसिलरी और साथ ही साथ रिटेल, इन तीनों में से कोई स्टॉक आप चुनेंगे? देखिए अगर हम शुगर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे आके कहा था, राणा शुगर इज लुकिंग वेरी गुड ऑन द चार्ट। समवेयर अराउंड 14 रुपीज ऑफ 14.5 के आसपास में ट्रेड करता है। आई गेव अ बाई कॉल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 12.5 एंड गेव अ टारगेट ऑफ 18 रुपीज। स्टिल द टारगेट इज बीन इंटेक्ट। वो एक बार 18 रुपये मुझे लगता है कि अचीव करना चाहिए 1-2 महीने के लिहाज से। मोमेंटम इसमें बरकरार रही है अपवर्ड के लिए। अगर हम ऑटो एंसिलरी की अगर हम बात करते हैं तो चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्साइड इंडस्ट्री थोड़ा सा चार्ट पे बेटर लग रहा है। समवेयर अराउंड 175 के आसपास में ट्रेड कर रहा है मौजूदा स्तर पे, या कोई डिप 170 के आसपास में आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 162। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर टारगेट की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 188 का निकल के आ रहा है। थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेके चलते हैं तो 210 तक के लेवल आपको चार्ट पे अनुसार देखने को मिलते हैं।
8625 पर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, इस वक्त 74 अंकों पर, लगभग 1% की मूव यहाँ पर है। इस बीच आप एक बार टॉप ट्रेड काउंटर्स पर आइए, वो काउंटर जो कि वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, इसमें आप हिंदुस्तान जिंक का दीपाली जिक्र कर चुकी हैं, और SBI याद रखिए, SBI अच्छा कर रहा है इस वक्त, SBI ओवरटेक कर रहा है। देखिए SBI सारे PSU स्टॉक्स को ओवरटेक कर रहा है, यानी जो मेरी सुबह की सोच थी ना कि भाई SBI नहीं चल सकता शायद, वो थोड़ी सी गलत साबित हो रही है। मैं बाकी रेस्ट ऑफ द बैंक्स पे दाव लगा था, लेकिन SBI इस वक्त ओवरटेक कर रहा है। और याद रखिए SBI पिछले पूरे मिड जुलाई की जो चैनल थी, जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, उसके हाइस को स्ट्राइक कर रहा है। हेमंत, ये SBI कुछ अच्छा लग रहा है इस वक्त, इस बार आपको लगता है कि कोई दमखम है इस स्टॉक में? देखिए, जब आप प्रोग्राम की शुरुआत में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ICICI बैंक में काफ़ी शॉर्ट्स हैं, तो SBI भी में भी शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी हैं। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए वीरेंद्र, कि अब 220 का पुट राइटर दूसरा सीरीज है जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट करके खड़ा हुआ है, तो स्टॉक का बॉटम बहुत स्ट्रांग है 218-222 का, ऊपर के साइड 232 अगर ऊपर निकल जाता है तो मेरे ख्याल नेक्स्ट टारगेट 241 का बनता है, तो इस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और आज 232 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो एग्रेसिवली लॉन्ग कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 240-241। जी चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर कपिल बाली हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर बाली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजार की हुई है और दिन के उच्चतम स्तरों पर मार्केट से भी आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ से मार्केट्स आगे और चलेंगे, इस मार्केट की स्ट्रेंथ में कौन से वो फैक्टर्स होंगे जब गोइंग फॉरवर्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मॉनसून हो या फिर अर्निंग सीजन हो या फिर GST हो, ये तीनों ही फैक्टर्स का रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हम मौजूदा इंडेक्स लेवल्स पर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ से फर्दर मार्केट चलें इसके लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड मॉर्निंग, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये आज के टाइम में सबसे अहम क्वेश्चन यही है कि मार्केट का रन अप हो चुका है, GST का भी उसके अंदर इन बिल्ट हो गया है मार्केट के अंदर, मार्केट की वैल्यूएशंस के अंदर। आई थिंक मॉनसून भी लार्जली जो व्यू है कि ये अबव नॉर्मल रहना चाहिए, और इस साल मॉनसून के चलते अच्छे मेरे ख्याल से थोड़ा वो भी डिस्काउंटेड हो रहा है प्राइस के अंदर। तो अब अगर फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं कि आगे मार्केट का कैसा रहेगा, दो तीन फैक्टर्स इसमें डिपेंड करता है। एक तो ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करता है, हाउ द ग्लोबल मार्केट्स बिहेव। अगर आप पीछे भी देखें कि काफ़ी दिन ऐसे हैं कि जब जब ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव रहा है, इट हैज़ हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट। इवन दो GST का भी पेंडिंग था, तब अगर यूरोप डाउन था तो हम भी डाउन थे, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो डोमेस्टिक रीजन रहेगा वो लार्जली रहेगा कि आगे के हमारी जो अर्निंग्स हैं वो किस क्वार्टर से गिरने शुरू होते हैं। जो अभी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट आई थिंक पॉजिटिव इम्पैक्ट Q3 और Q4 में आना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन जो है, अगर रूरल कंजम्पशन लौट के आती है, अर्बन कंजम्पशन में इंक्रीज होता है, तो आई थिंक Q3 Q4 में अर्निंग्स आना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा मार्केट्स रेंज बाउंड रह सकती हैं थोड़े टाइम तक, क्योंकि अर्निंग्स एक ऐसा फैक्टर है, अगर सिर्फ डोमेस्टिक रीजन लें तो अर्निंग्स एक फैक्टर है विच हैज़ टू नाउ कम इन टू प्ले। तो ग्लोबल अगर कोई फिनोमिना रहता है, आउटब्रेक्स होते हैं, ऑब्वियसली वील रिएक्ट टू दैट, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है कि अर्निंग्स H2 की अर्निंग्स विल प्ले। इस बीच आप एक दो स्टॉक्स को और देखिए, लुक एट वोल्टास, पेट्रोनेट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रखिए जो मिड कैप में, जो कि डेरिवेटिव्स के भाग भी हैं। हेमंत, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई मीन वोल्टास जो कि सडनली काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था, वो आपको फिर से 350 की डायरेक्टरी में मिल रहा है। पेट्रोनेट जो है, प्लीज़ पेट्रोनेट दिखाइए क्या कर रहा है, पेट्रोनेट को वो भी देखूंगा। आई मीन वो भी कुछ ऑलमोस्ट इसी प्रॉपर्टी का स्टॉक है, आपकी स्क्रीन पे 313 पे, कल इस टाइम पे ट्रेडिंग करियर के ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट जोन्स को फिर से रिटेस्ट किया। हेमंत, मिड कैप में कोई स्टोरी जिसको आप चेस कर रहे हैं, इस पर क्लाइंट्स को सजेस्ट की हो जो? देखिए, जहाँ तक मिड कैप्स की बात रह गई, मैं एक बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं NBFCs पे बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बट उस सेक्टर को छोड़ के भी मैं एक दो मिड कैप्स की बात जरूर करना चाहूँगा। आपने जैसे बात की, एक मैं स्टॉक पिन पॉइंट करूँगा, अरविंद, बहुत करेक्शन के बाद कल उसमें ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड होना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से अगर अब स्टॉक 305 का घर नहीं तोड़ता है तो देन इट इज़ हेडिंग टू वर्ड्स 316-318। दूसरा एक मैं स्टॉक जरूर मेंशन कर चाहूंगा, सेंचुरी टेक्सटाइल, वो भी स्टॉक वही है जो 725-730 से करेक्शन
665-670 जो बहुत अहम था सपोर्ट, वहां से रिबाउंड वापस होना शुरू हुआ है मेरे हिसाब से, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 665 टूवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 720-725। आपने जिन दो स्टॉक्स की बात की उसमें वीरेंद्र आई विल प्रेफर वोल्टास, क्योंकि वो एक बार वोल्टास का करेक्शन हुआ पोस्ट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बाद काफी बढ़ चुका था और अब सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं 340 के आसपास, तो मेरे हिसाब से स्टॉक शुड नॉट वायलेट 340-342 जोन और 365 तक जाता हुआ लग रहा है जी। मिस्टर वाली, ऑटो और सीमेंट इन दोनों सेगमेंट्स पर अभी अप्रोच क्या रखनी चाहिए? अर्निंग्स भी हमने देख ली ज्यादातर कंपनियों के इन दोनों ही स्पेस से, एक फैक्ट ये भी है कि दोनों ही स्पेस के जो शेयर्स हैं वो साल की शुरुआत से 30-40% तक चल चुके हैं, तो अगर किसी निवेशक को नई खरीदारी करनी हो तो क्या इन स्टॉक्स को देखना चाहिए या फिर आप किसी डिप का वेट करेंगे एंट्री लेने के लिहाज से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी इनके जो वैल्यूएशंस हैं, भाव है मार्केट में, वो काफ़ी रन अप कर चुका है और ये GST का भी एक इसमें रीज़न रहा है और जैसे लॉजिस्टिक्स है, ऑटोमोबाइल्स भी है। मेरा मानना यह है कि रन अप है और ऑटोमोबाइल में खासकर कंजम्पशन की वेट है और जो नतीजे आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल अच्छा चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो हिस्टोरिक वैल्यूएशन से थोड़े एक्सपेंसिव हैं, इसलिए मेरा मानना यही है कि लॉन्ग टर्म निवेशक अगर एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली डिप्स पे ही लेनी चाहिए और स्टैगर्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। ऑल इन स्ट्रैटेजी इसमें इस वक्त काम नहीं आएगी, बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो फायदे है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गए, आपके कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स हो गए, इनमें डेफिनेटली आते वर्ष में इसमें फायदा है। चलिए, शुक्रिया मिस्टर बाली और हेमंत आपका भी शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। मार्केट साला के भी डे हाई पर ट्रेड करें, ब्रजेश सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे भी, लेकिन आज हैवीवेट स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान देखा है, ICICI बैंक हो, PSU बैंक्स हो या फिर ONGC का ही, इनफैक्ट आप स्टॉक देखें अभी भी करीब 1% की बढ़त लेकर 222 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर।